नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नशे के कारोबार को लेकर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर देहात थाना और कोतवाली थाना की पुलिस ने मिलकर ब्राउन शुगर बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। मंगलवार की शाम 5 बजे कोतवाली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें SDOP भारत भूषण शर्मा ने बताया कि शहर के युवाओं को ब्राउन शुगर बेचने वाले गमाखर निवासी रवि रघुवंशी को 5 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। SDOP भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले गिरफ्त में आए संजीव रघुवंशी निवासी रेट्री के नशे के पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया था। उससे की गई पूछताछ में रवि रघुवंशी का नाम सामने आया था, जिसे कोतवाली और देहात थाने की पुलिस ने मिलकर गमाखर गांव की धर्मशाला में बनी यज्ञशाला के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलता है, इसलिए बड़ी मेहनत से पचमा की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। यश दुबे ने बताया कि आरोपी पर वर्ष 2018 में भी 2 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर रखने पर मामला दर्ज किया गया था। नशे के इस कारोबार में पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी सुमी मिश्रा भी मौजूद थीं। विदिशागंज बासोदा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी ADG श्री उपेंद्र जैन साहब, DIG श्री संजय तिवारी जी, SP श्री विनायक वर्मा जी, एडिशनल SP श्री साहू जी के निर्देशन में पूरे जिले में ये संपूर्ण कार्रवाई नशा विरोधियों के विरुद्ध चल रही है, जिसके तहत शहर बासोदा में गत दिवस हनी मिश्रा, सपना विश्वकर्मा, इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात दीपक रघुवंशी को भी ब्राउन शुगर में गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात महिला विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए जो टीम बनाई गई थी, TI देहात, TI बासोदा शहर, इनके द्वारा टीम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, गत रात्रि को रवि रघुवंशी निवासी गमाघर को यज्ञशाला के पास में पकड़ा गया, जिसकी तलाशी ली गई, जिसके आधिपत्य से ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ मिला और जिसको लेकर उसका तोल किया गया। थाने में कार्रवाई की गई तो 5.3 GM उसकी मात्रा थी और कीमत उसकी 60,000 से 70,000 रुपए थी। ये उसके आधिपत्य से ब्राउन शुगर जब्त हुआ, जिसमें 8/20 नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया है। सर, ड्रग्स की बात करें, आज करीबन इसमें एक ब्राउन शुगर का केस बना था। आर्थिक स्थिति इसकी बहुत कमजोर थी, अब देखने में कुछ दिनों से आ रहा था कि इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और अलग अलग रंग रूप में ये अपने टोमा मार्केट से चलता था और कभी